और अमेरिका को लेकर इस जंग के बाद ईरान ने अब बड़ा दावा कर दिया है, आईडीएफ के साथ जंग लड़ रही है अमेरिकी सेना। ये ईरान के हवाले से खबर है। गाजा जंग में दो अमेरिकी कमांडर भी शामिल है। ईरानी सेना के कमांडर राशिद ने यह बड़ा बयान दिया है, मतलब सिर्फ हथियारों की मदद नहीं कर रही है अमेरिकी सेना इस जंग में इसराइल का, बल्कि ईरान यह दावा कर रहा है कि दो अमेरिकी कमांडर्स ने वहां पर मोर्चा संभाला है जिनके नेतृत्व में आईडीएफ इस जंग को लड़ रही है और लगातार वो इस वक्त इसराइल की धरती पर मौजूद भी है। तो अब आपको कुछ जरूरी जानकारी दे दे जल्दी से। ईरानी सेना के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद का दावा है कि तेल अवीव के बेस पर अमेरिकी सेना के दो टॉप कमांडर ने मोर्चा संभाल लिया है। पहले अमेरिका ने इसराइल को हथियार देने के साथ अपने सैनिक भी भेजे, अब अमेरिकी कमांडर के नेतृत्व में हमास के खिलाफ जंग इसराइल का हमला जहां पर जारी है। फिलिस्तीनी लोग, हमास, इस्लामिक जिहाद मिलकर के अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे और जीतेंगे। तो देखिए, बड़ी जानकारी है जो कि आपको दे रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये जंग जो है वो जरूर जीती जाएगी। फिलिस्तीनी लोग, हमास, इस्लामिक जिहाद मिलकर अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे और जीतेंगे, ये विश्वास जताया गया। देखिए, इस बीच एक और अहम खबर है, अमेरिका को ईरान की सीधी धमकी, मिडिल ईस्ट बेस तबाह कर देंगे। ईरान ने कहा अमेरिकी बेस नष्ट कर देंगे। और इस जानकारी के बाद आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस कहां कहां पर मौजूद है। देखिए, तुर्की में अमेरिका के दो बेस मौजूद हैं, इसके बाद इराक में भी दो बेस पहले से बनाकर रखे गए हैं। कुवैत की बात करें तो वहां पर तीन बेस इसके मौजूद हैं, जबकि सऊदी अरब में दो बेस अमेरिकी सेना के मौजूद है, बहरीन में एक बेस, जबकि कतर में एक बेस मौजूद है। और पूरे अरब सागर, अरब देशों में अमेरिका अपनी धमक चाहता है और अपनी इंटरफेरेंस चाहता है, शायद इसीलिए पूरे इस अरब मुल्कों में अपना बेस अमेरिका ने तैयार कर रखा है। इस बीच बड़ी खबर, तनाव के बीच अमेरिका की बड़ी तैयारी देखने को मिली। मिडिल ईस्ट को लेकर यह बड़ी प्लानिंग अमेरिका ने कर रखी है, पेंटागन से ज्यादा सैनिक भेजने के आदेश भी दिए गए हैं। जी हाँ, तो समंदर में अमेरिका ने अपने घातक और विनाशक अस्त्र तैनात कर दिए हैं। गाजा जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और हम ऐसा किस लिए कह रहे हैं, देखिए आपके सामने जो जानकारियां हैं उसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे। गाजा जंग में अमेरिका की एंट्री युद्ध और विध्वंसक होगा युद्ध। देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मोर्चा तैयार हो गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, और मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं और अमेरिकी सैनिक, वहां पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की जा रही है। 300 सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे गए हैं, पेंटागन की ये जानकारी है। और इराक में अमेरिका के तकरीबन 2500 सैनिक इस वक्त मौजूद हैं। सीरिया में अमेरिका के 900 सैनिक हैं, तो भूमध्य सागर में अमेरिका ने अपना बेड़ा भी तैनात किया हुआ है। यूएसएस आइजन हॉवर्ड ने संभाला है मोर्चा और F-16 और F-15 की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। तो देखिए, अमेरिका भी पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस जंग में अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है।